आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है, द रियल इमेज ऑफ अ स्क्वायर होल इन स्क्रीन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट इज ऑब्टेन ऑन अनदर स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। एक लेंस की मदद से स्क्वायर होल की जो इमेज है, जो लाइट से इल्यूमिनेटेड है, उसको अनदर स्क्रीन पे लिया। कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है वो, इसलिए द डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में दे दिया। द एरिया ऑफ द इमेज इज 9 times दैट ऑफ द होल। 9 times इंपॉर्टेंट है। वॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? सो अब है ना, हमको पता है कि एरिया मैग्निफिकेशन अगर हम देखें तो एरिया का मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू 9। ऑलराइट, तो इसी हिसाब से अगर हम लीनियर के बारे में बात करें, और क्योंकि ये स्क्वायर होल है, सो हम लोग कह सकते हैं कि वो इसका अंडर रूट ही रहेगा, अंडर रूट 9, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 3। तो ये तो लीनियर मैग्निफिकेशन की बात आ गई। अब हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? V/U। ऑलराइट, अब माइनस V/U, कॉन्वेक्स लेंस है ना इसलिए, सो माइनस V/U, तो इस हिसाब से ये कितना आएगा? ये हमें 3 दे रखा है, तो इस हिसाब से V कितना आएगा? -3 of U, और 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो -20 आएगा एक्चुअली। U हमारे पास -20 है, तो इस हिसाब से V आएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ये तो आ गया हमारे पास V, ये V है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब हम लोगों को जो फॉर्मूला पता है, 1/V - 1/U = 1/F, इसी को रीअरेंज करोगे तो F आएगा हमारे पास UV/U - V। आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए, U की जगह -20, V की जगह +60, और -20 - 60 तो -80 आएगा, कैंसिल होंगे, और बाद में फोकल लेंथ हमारे पास आएगी 15 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, 15 सेंटीमीटर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।